नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपी सलार एजुटेक में वेलकम है। और एक बढ़िया मज़ेदार न्यूज़ है, और न्यूज़ मज़ेदार इसलिए है क्योंकि शिक्षकों की परीक्षा से जुड़ी चीज़ है, और देखते हैं क्या है। और ये देवरिया की न्यूज़ है। अभी आप सोच रहे होंगे ये देवरिया की न्यूज़ है, हमें इससे क्या मतलब है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक जगह जब कोई अप्लाई होती है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि उसको अदर ज़िले में पूरे स्टेट में लागू कर देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, जब भी कुछ भी लागू हुआ आज तक वो कहीं इनोवेशन के रूप में स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक नीति ही बन गई है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं, देवरिया के जिला अधिकारी जो आशुतोष निरंजन जी हैं के निर्देशन में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों का शीघ्र ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही। भाई चलिए क्या है मैटर देख लेते हैं कैसे कराएंगे। BSA ने जनपद के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों की उत्तर प्रदेश की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई शिक्षक हस्तपुस्तिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह पर आधारित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए एक समिति गठन किया है। वहीं परीक्षा को लेकर अभी से शिक्षकों के माथे में सिकन आने लगी, कुछ तो तैयारियों में भी जुड़ गए हैं। इस प्रतियोगिता में बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। एक सप्ताह पूर्व जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों की उपलब्ध कराए गए शिक्षक हस्तपुस्तिका व शिक्षक संदर्शिकाओं के अध्ययन के प्रति प्रगति को जानकारी प्राप्त करने के लिए जनपद के समस्त शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने के निर्देश दिया। इसके अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बीते बुधवार को BSA कार्यालय स्थित सभागार में जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक SRG की एक बैठक कर अपने नेतृत्व में जिला समन्वयक प्रशिक्षण व जिला समन्वयक MIS एवं तीनों SRG की एक समिति बनाकर परीक्षा की तैयारी करने के लिए निर्देश दिया। परीक्षा 25 से 28 जून के बीच संभावित है। उधर परीक्षा के लिए जाने की सूचना मिलते ही कई शिक्षकों के माथे पर पसीना आने लगा है। BSA संतोष कुमार राय ने बताया कि शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इससे संबंधित एक परीक्षा और आयोजन करने की बात करी गई थी अयोध्या जिला में, तो शिक्षक संघों ने विरोध किया, फिर ये परीक्षा टल गई। अभी इसी तरीके की परीक्षा और है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है कि मतलब सारी सब कुछ हम ही से करवा लो, मतलब हम ही अयोग्य हैं दुनिया भर में, शिक्षक ही लोग जो अयोग्य हैं, बाकी सब लोग सही हैं। भाई कोई भी पद पे उसकी परीक्षा करवा लो, आप कोई भी किसी भी पद पे कार्यरत बंदे की तुम परीक्षा करवा लो, उसको 5-10-20 किताबें दे के कह दो भाई परीक्षा होगी, ठीक है। चलिए इस मैटर मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन एक चीज़ स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, बेसिक शिक्षा प्रभार, उन्होंने कहा था कि किसी भी कोई भी शिक्षक की योग्यता नहीं जा सकता है, ना ही परीक्षा ले सकता है, क्योंकि वो जो भी चयनित होकर आया है वो अपनी उस समय की जो भी योग्यता रही होगी वो योग्यता धारक रहा है, तभी उसका चयन हुआ है दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नमस्कार।